क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। हाय हाय क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे केबिन में तू क्या कर रहा है? ऐसे ही बैठा हूँ सर। इतनी गंदी किताबें पढ़ता है तू? सर ये किताब नहीं है, ये हॉट मैगजीन है, आप ही के ड्रॉवर से निकला हुआ है। है कि तुम्हारी उम्र जो ऐसे मैगजीन पढ़ने की नहीं है। सॉरी, मत पढ़ा करो कुलकर्णी। सॉरी सर, सॉरी कुलकर्णी। यस सर। एक बात बताओ यार। यस सर। तुम किसी हड्डी के डॉक्टर को जानते हो? हड्डी के डॉक्टर? सर सिर्फ तो हड्डी का डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, मैं जिन डॉक्टर को जानता हूँ उनमें हड्डी के साथ साथ खून और मांसपेशी भी शामिल है। कितने इडियट आदमी हो तुम। लेकिन आपको हड्डी के डॉक्टर की क्यों जरूरत है सर? मेरी साली गिर गई। अच्छा, घोड़े से। ओ, मतलब आपको घोड़े के लिए हड्डी के डॉक्टर की जरूरत है। यस सर। बकवास मत करो। सॉरी सर। तुम्हारा वो मेरे पास तैयार है। क्या? डिसमिसल होगा। सॉरी, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। लेकिन आपकी कौन सी साली घोड़े से गिर गई? तीन नंबर वाली। ओहो, तीन नंबर वाली। बोनी उसका नाम है। ओहो, बोनी। लेकिन आपको कितनी सालियां हैं सर? एनीवे, वो बोनी जो है वो दिखने में कैसी है? यू गेट आउट। सॉरी सॉरी, गेट आउट। सॉरी जीजू। जीजू। अरे बोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, तुम्हारी शादी है। घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। अच्छा बोनी बीबी, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मैं तुम्हें अभी भी बता चुका हूँ। चिल्लाओ मत, ये बोनी जो है मेरे लिए आपकी बहन की तरह। शट अप। अरे ठीक है जीजू। जीजू केशव जी, वो क्या है, मैं घोड़े से गिर गई। अच्छा हाँ। जरा देखो तो कहाँ कहाँ चोट आई है। अबे ओ बिपंगे, मेरी साली से दूर रहना, समझा ना? देखा बोनी, ये तुम्हारा जीजू मुझे तुम्हारा पैर भी ठीक करने नहीं देता। कैसे ठीक करोगे पैर उसका? क्या तुम कोई बोन सेटर हो? अरे बचपन में मैंने एक बकरी की टांग सेट की थी। अच्छा, कहा पहले मेरी टांग सेट करो बेटे। मैंने बकरी कहा, हाथी नहीं, समझे? देखा आपकी साली को मेरे लिए कितनी सिंपथी है। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा अखबार खराब हो जाएगा। इस अखबार में कुछ खास है क्या? हाँ देखिए ना, मैं जैसे कल घोड़े से गिर गई ना, सेम प्रेमा जी भी गिर गई घोड़े से। क्या? हाँ, ये प्रेमा जी और मेरे साथ अक्सर होता आया है। मतलब ये मेरे लाइफ में जो भी भली बुरी घटनाएं घटती है ना, ठीक उसी वक्त सेम प्रेमा जी के साथ भी घटती है। क्या कह रही हो बेबी? हाँ, परसों मैंने एक अखबार में पढ़ा कि प्रेमा जी के पीछे एक चश्मे वाला पड़ गया था। कैसा? ये तुम्हारे बारे में कह रही है? और ठीक उसी वक्त मेरे पीछे भी एक मोटा चश्मे बद्दूर पड़ गया। ये आपके बारे में कह रही है? तो क्या हुआ? जीजा मेरे साथ ही ऐसा होता है। बोनी बेबी, मुझे लगता है तुम्हारी और प्रेमा जी की लाइफ पैरेलल जा रही है। हाँ। चलो एक काम करते हैं, हम चलते हैं। कहाँ? प्रेमा जी से मिलने। सच्ची? चलो लेट्स गो। अबे मेरे साली को लेके कहाँ जा रहा है? दिलरुबा जी, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी बात को कैसे मान लूँ? प्रेमा जी, देखिए दिलरुबा जी, देखिए प्रेमा जी, प्रेमा जी। के कुछ हाल? हेलो प्रेमा जी, आप घोड़े से गिर गई? हाँ, आपको पता चल गया? हाँ। केकु जी, उस कमबाक घोड़े को पता नहीं क्या हो गया था, मैंने उस घोड़े की लगाम यूं खींची तो मैंने सोचा वो दोनों सामने के पैर उठाएगा, लेकिन उस इडियट घोड़े ने अपने दोनों पीछे के पैर उठा दिए और मैं मुंह के बल गिर गए। सॉरी प्रेमा जी, कहीं घोड़े के पीछे दिलरुबा जी तो नहीं खड़े थे? मैं तो क्यों? शट अप, शट अप। प्रेमा जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ आपको यहाँ कैसे आना हुआ? ये केकड़ा इस बार कोई नवी टोपी पहनाने आया है। टोपी? कहता है कि इसके बॉस की एक साली है जिसकी लाइफ तुम्हारी लाइफ की एकदम पैरेलल चल रही है, यानी कि एकदम शेम टू शेम। शेम टू शेम नहीं, सेम टू सेम। अरे वही मतलब होता है इंग्लिश तोता कहीं का। प्रेमा जी मैं सच कह रहा हूँ। आप हमेशा यूं मजाक क्यों करते हैं? प्रेमा जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी साबित कर सकता हूँ। एक मिनट ठहर जाइए, अंदर जाओ। देखिए प्रेमा जी, देखिए। ए लड़की, तुम मेरी मजाक क्यों उड़ा रही हो? नहीं प्रेमा जी, ये मजाक नहीं उड़ा रही है, ये भी घोड़े से गिर गई। घोड़े से गिर कैसे? मैं महाबलेश्वर पिकनिक मनाने गई थी, वो हॉर्स राइडिंग करते हुए मैं घोड़े से गिर गई। एग्जैक्टली क्या हुआ? एग्जैक्टली मैंने घोड़े की लगाम खींची, मुझे लगा कि वो आगे की दो टांगे उछालेगा। And instead, उसने पीछे की दोनों टांगें उछाल दी। हाँ, बताए फिर क्या हुआ? तुम मुंह के बाल गिर गई। Shame to shame, a sin to
सेम टू सेम। तुम्हारा नाम क्या है? बॉनी। थैंक गॉड नाम तो डिफरेंट है। नहीं नहीं, ये मेरा पेट नेम है। तो फिर तुम्हारा रियल नाम क्या है? प्रेमा। मेरा माँ का नाम शाली। प्रेमा शालिनी। मुझे एक और डॉल मिल गई, मुझे एक और डॉल मिल गई। सॉरी सॉरी नहीं सॉरी बॉय। एक्सक्यूज मी लड़की, आई मीन ब्रॉनी, आई मीन प्रेमा, व्हाटएवर। तुम कौन से स्कूल में पढ़ती थी? जैक एंड जिल कॉन्वेंट हाई स्कूल अलीबाग। ओह माय गॉड, जैक एंड जिल हाई स्कूल कॉन्वेंट हाजी अली में मैं पढ़ती थी। हाजी हाजी, क्या हुआ क्या हुआ? ओह माय गॉड, मेरा मंगेतर वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा होगा। फिर जाओ। नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? सुना है वो खाना अच्छा बनाता है। देखा प्रेमा जी, देखा आपने, शेम टू शेम। लटका दिखा दिया तुमने, तारा तुम तारा। एक्सक्यूज मी तारा, एक्सक्यूज मी सर। अरे जुलूबा जी, आप ये कैसे आना हुआ? सर मैं आपके सामने एक कंप्लेंट लेकर आया हूँ सर। कंप्लेंट? सर आपका एक वर्कर है ना, थर्ड क्लास कुलकर्णी। ये सर, सर कल वो आपकी साली को लेकर हमारे घर पे आया था और उसने मेरी वाइफ को इतनी टेंशन दी, इतनी टेंशन दी। एक मिनट, अभी देखता हूँ कंबख्त को। अबे ओ कुलकर्णी, इधर आ। यस सर। आप, अरे रूपा जी, आप यहाँ? हमारे स्टाफ वाले तो कह रहे थे एक लफंगा शर्मा साहब की कैबिन में घुस गया। लफंगा तो तू है, मेरी साली को लेके कल तू कहाँ गया था? सर आपकी साली ने ही कहा था कि चलो बीच पर घूमने चलते हैं। मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बीच की बात नहीं कर रहे हैं, कल तुम इनकी साली को लेकर हमारे घर पे आए थे कि नहीं आए थे? क्यों, तुम्हारे घर में शरीफ लोगों को आना मना है क्या? लेकिन आपको किसने कह दिया कि आप शरीफ है? तुम्हारे नाक को क्या हुआ? अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जो काम बाद में करना चाहिए तुम हमेशा पहले करती हो, इडियट। लेकिन सर अभी देखिए ना, ये तो ये कहेंगे कि डॉल की नाक भी इसकी नाक के पैरेलल चल रही है। हाँ हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। आप देखना, प्रेमा जी की नाक भी अब तक जल चुकी होगी। अरे छोड़ा, क्यों फेंकते हो? अगर ये सच हुआ ना, मैं अपनी नाक तुम्हारे पांव पर रगड़ूंगा। ये बात है। हाँ। कीजिए, प्रेमा जी को फोन कीजिए। नंबर क्या है? 9820। मालूम है, मालूम है। हेलो। हेलो, कौन? डॉन। डॉन? और मेरे घर से? इडियट, स्टूपिड, यू आर नेटवर्क, डॉन। स्टूपिड, इडियट। अच्छा, डॉल, डॉल बोल रही हो? लेकिन डॉल, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मेरी आवाज को कुछ नहीं हुआ, मेरी नाक जल गई है। व्हाट? तुम्हारी नाक जल गई है? मगर कैसे? शूटिंग के लिए मुझे सिगरेट पीने का शौक देना था, किसी इडियट असिस्टेंट डायरेक्टर ने लाइटर की फ्लेम बढ़ाकर रख दी, सिगरेट रह गई बाजू में, मेरी नाक जल गई। ओह माय गॉड, अभी तक धुआं आ रहा है। कहां से? नाक से। केशव जी, आपके पांव कहाँ हैं? क्यों? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। ये ले, शुरू हो जा। एक, दो, तीन। गोखले, गोखले मेरे दोस्त, कोई आइडिया निकाल, बहुत ही अच्छा आइडिया निकाल। प्रेमा जी को इंप्रेस करने का इससे अच्छा मौका फिर से कभी नहीं आएगा। आइडिया तो एक ही है। कौन सा गोखले? हमें यह जानना चाहिए कि बोनी के भविष्य में क्या लिखा है। नहीं नहीं गोखले, नहीं। अरे ज्योतिष विद्या पर से मेरा भरोसा उड़ गया है, खास करके इस इलेक्शन के बाद। डोंट वरी केशव, डोंट वरी, हम कंप्यूटर के जरिए बोनी का भविष्य देखेंगे। कंप्यूटर के जरिए? लेकिन क्यों? कंप्यूटर के जरिए भविष्य देखने का यह फायदा है कि कोई हमें अंधविश्वासी नहीं कहता। तैयार हो गए? हाँ, ये लीजिए। गोखले पढ़, जल्दी से पढ़। मत निकाल वरना इसका भविष्य खराब हो जाएगा। मुझे लगता है खराब हो गया। चल, वहां चल के पढ़ते हैं।
गोखले, तू सिर्फ एक्सप्रेशन ही देता रहेगा या फिर मुझे भी कहेगा कि कंप्यूटर ने क्या बताया है? केशव, पोनी की लाइफ प्रेमा जी के लाइफ के साथ सिर्फ उसकी शादी तक चलेगी। अच्छा? हाँ, और दो ही दिनों के बाद पोनी की शादी है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मैं अभी जाके प्रेमा जी को फोन करता हूँ। प्रेमा जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइफ का पैरेलल चलना दो ही दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन इन दो दिनों में पोनी की जान को खतरा है। लेकिन केकू जी, आप मुझे क्यों सावधान कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले दो दिनों में बॉनी की जान को खतरा है प्रेमा जी। ये देखिए, बॉनी का कंप्यूटराइज भविष्य बता रहा है। अरे तो फिर बॉनी को सावधान करो ना, या अपने बॉस से कहो कि वो अपनी साली को दो दिन के लिए कमरे के अंदर बंद रखे। अरे यार, ये पॉसिबल नहीं है, दो दिनों के बाद बॉनी की शादी है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि दो दिन के लिए मैं घर में बंद रहूं। मुझे दो दिन के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट 70mm फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। I see, I see. आइडिया प्रेमा जी, काम करते हैं ना, आने वाले दो दिन और दो रात मैं आपके साथ रहूंगा। किस लिए? आपके प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, तो मैं क्या मर गया हूँ? काश। प्लीज, I think better idea ये होगा कि आप उस लड़की पर ही नजर रखिए। लेकिन प्रेमा जी, मैं तो आप पर नजर रखना चाहता था। Anyway, sorry प्रेमा जी, sorry। आपकी इच्छा सर आंखों पर, आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य। क्या ट्रक के पीछे लिखे हुए सड़े हुए शेर मार रहा है तू? पूरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। Don, please, okay, टाटा। Don, you don't worry at all. मैं हूं ना तुम्हारा कमांडो। Really? Yeah, doll. देखा प्रेमा जी, आपका कमांडो डर के भाग गया। ठीक जी, you're very naughty. आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य। गोखले, बोनी। हाय 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 बोनी। 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 हाय बोनी। अरे गोखले जी, केशव जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं बस। दोपहर की धूप में। वो क्या है कि एक डॉक्टर ने गोखले को सलाह दी थी कि तुम अगर धूप में घूमोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। क्यों? वो क्या है कि कल गर्मी के कारण मैं फ्रिज में सर रख के सोया था। अच्छा। तो दिमाग जम गया बर्फ की तरह। उसके दिमाग में बर्फ जम गया, देखो सुनना है। नहीं, ऐसे ही, लेकिन कल तुम्हारी शादी है और तुम आज स्विमिंग करने के लिए जा रही हो। तो ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि अगर कल शादी हो तो आज स्विमिंग नहीं जाते? लेकिन तुम डूब गई तो। Come on, I'm swimming champ. नहीं 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 बोनी, तुम स्विमिंग करने के लिए नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? अरे तुम स्विमिंग करते करते डूब गई तो हमारी प्रेमा जी भी डूब जाएगी। अच्छा, तो आपको प्रेमा जी की पड़ी है, मेरी नहीं। मैं जाती हूँ। नहीं बोनी, तुम स्विमिंग करने नहीं जा सकती। तुम नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। अरे यार छोड़ो, मुझे स्विमिंग के बाद पार्लर भी जाना है। क्यों पार्लर? कमाल है, अगर इस हुलिये में मैं मंडप में खड़ी होगी तो मेरा दूल्हा मुझे देख के भाग ही जाएगा। अरे तुम्हारा दूल्हा भाग गया तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, लेकिन तुम स्विमिंग करने के लिए नहीं जा सकती। तुम नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। क्या हो रहा है इधर? देखो कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े। देखो इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मुझे स्विमिंग जाने नहीं दे रहे। झुमरू, थोबड़े से तो शरीफ रखते हो, जाते हो सीधा कि देव बंबू है। जा रहे, जा रहे। चल, आपकी टोपी लगा। चल, टोपी वाले, चल। सोचल, किसो। शी। ओ बेबी, अब तुम आराम से स्विमिंग करने जा सकते हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी। यस। बाय द वे बेबी, तुम कौन से पुल पर नहाने जा रही हो? क्या? अरे। प्रेमा जी, प्रेमा जी बाहर आइए, प्रेमा जी बाहर आइए, प्रेमा जी। क्या कुछ? प्रेमा जी आप कहाँ जा रही हैं? Take a wild guess, केकू जी, मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने? नहीं प्रेमा जी, नहीं, आप नहाने नहीं जा सकती। क्यों? अरे क्योंकि अभी अभी बॉनी स्विमिंग करने के लिए गई है। लेकिन केकू जी, मैं तो सिर्फ शावर में नहाने जा रही हूँ। प्रेमा जी आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर बोनी स्विमिंग करते करते डूब गई तो आप भी शावर के नीचे डूब जाएगी। प्रेमा जी, केकू जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन आपको मेरी कदर कहाँ प्रेमा जी, आप जानती हैं मैंने दो दिन से ऑफिस से छुट्टी ली है और दो दिन और दो रात से कड़कती धूप में मैं बोनी के घर के सामने खड़ा रहता हूँ। केकू जी, आप जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन आपको मेरी कदर कहाँ प्रेमा जी। केकू जी, आप मेरा काम करेंगे? कल दोपहर को मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, 70mm फिल्म वाला।
आप बॉनी पर ऐसे ही नजर रखिए प्लीज, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप मुझे मेरे मोबाइल फोन पर फोन कर सकते हैं। आप करेंगे ना? करूंगा प्रेमा जी, जरूर करूंगा। आपकी इच्छा सर आंखों पर और आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य। केशव, कल से थैंकलेस जॉब मुझे नहीं करनी है। अरे कल से ये जॉब करनी ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही बोनी की शादी हो जाती है प्रेमा जी की मुक्ति हो जाएगी। और नहीं हुई तो? अरे कैसे नहीं होगी, कंप्यूटर ने साफ साफ बताया है कि जैसे ही बोनी की शादी हो जाती है प्रेमा जी का बोनी की लाइफ के साथ पैरेलल चलना बंद हो जाएगा। हा हा हा, गोखले सुन सुन, बोनी की शादी की शहनाई आ गई। केशव जी, गोखले जी, आप मेरी शादी में नहीं आएंगे क्या? आए हैं ना शादी में, क्या है? लेकिन तुम मंडप से निकल कर बाहर क्यों आई? सामने ना मेरी फ्रेंड का ब्यूटी पार्लर है, मैंने सोचा फेरे होने से पहले एक बार और मेकअप का हाथ घुमा लो। क्यों? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जाओ एक फाइनल हाथ मार के आओ। जाओ। तेरी शादी में आई हो? शादी में तो आए। यार केशव, मेरे दिमाग में एक बुरा ख्याल आ रहा है। कौन सा? फेरे लेते वक्त बोनी अग्नि में गिर गई तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि गई चूल्हे में, वहाँ प्रेमा जी जल जाएगी, उसका सोच। माय गॉड गोखले, माय गॉड धन, अब क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या आइडिया? क्या गोखले आइडिया? बोल। जब तक प्रेमा जी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, हम यहाँ बॉनी को किडनैप कर लेते हैं। ओहो, ओके चलो। कपूर साहब गुंडे हैं, डेटे लेने के लिए पाले होंगे। डोंट टच मी, डोंट टच मी। तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें किडनैप करने आए। ओह सॉरी, आप कभी और आइए, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। चलो। हाथ नहीं लगाना, मेरी कॉपीराइट है। तेरी तो पक्के इसको ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। चलिए ना। गुंडा जी, लेकिन आप मुझे किडनैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रेमा जी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, समझे? लेकिन आज तो मेरी शादी है और सिर्फ 7 फेरे बचे हैं। अब तुम 7 फेरे मेरे साथ लोगे? मेरे साथ नहीं, नहीं तो बिन फेरे हम तेरे। ये क्या बदतमीजी है? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। देव, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कहता हूँ। हाँ, कहता हूँ। कहो। देख बे। देख भाई, देख। क्या है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है? हाँ। और मैं ऑलरेडी इसका पति हूँ। हाँ। चुप है चिरकुट। मैं तो इस शादीशुदा औरत को अभी विधवा बना दूँगा। अच्छा, वो कैसे है? इडियट। ए पकिया, पंडित को बुलाया। हाँ। फेरों की तैयारी की? बाजू का खोलवा, भट्टी तैयार है वहाँ। किस पाल? तारू की भट्टी यार, उसी को साक्षी रख के फेरे लेंगे ना। लेकिन तुम इसे शादी कर क्यों रहे हो? हाँ। मैं तो खुद इसे शादी करके पछता रहा हूँ। इसे शादी करोगे ना तो तुम्हारी आधी जिंदगी तो किचन में ही निकल जाएगी। मालूम पड़ा ना, मालूम पड़ा कि तुम भाई से कुक बन गए। कुक? ये तो शादी करने के लायक ही नहीं है। लायक नहीं हो? देव, how can you say? और ऊपर से आंख मार कर लाइन मार रहे हो मुझ पर। Now you have no chance, never. घंटी? एक घंटी का क्या बज रही है? मोबाइल, मोबाइल। ये मोबाइल क्या होता है? अरे ये अंडरवर्ल्ड भाइयों के लिए ना एक साइंस की नई खोज है। हेलो। हेलो प्रेमा जी, मैं आपका केकू बोल रहा हूँ। केकू जी, यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई है। आप कैसी बातें कर रही हैं प्रेमा जी? अरे हमने तो गड़बड़ न होने का पूरा इंतजाम किया है। What do you mean? अरे आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई अड़चन ना है, इसलिए हमने बोनी को किडनैप कर लिया है। What? आपसे किसने कहा था ये करने के लिए? केकू जी, you're a real nitwit. Nitwit? वो क्या होता है? आप nitwit हैं, इसलिए आप नहीं समझेंगे। आप तो जानते हैं कि बॉनी और मेरी लाइफ एकदम पैरेलल चल रही है, रेलवे की पटरी की तरह, I mean neck to neck चल रही है। फिर भी आपने उसे किडनैप कर लिया। आपने उसे वहाँ किडनैप किया केकू जी, और यहाँ मैं किडनैप हो गई हूँ। क्या हुआ केशव? केशव, केशव क्या हुआ? गोखले, बोल। गोखले सत्यानाश। क्या हुआ? सत्यानाश। क्या हुआ? छोड़ दे, छोड़ दे। बोली को छोड़ दे। अरे छोड़ दे। सिटी यार, पुलिस आ रही है। प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी।
ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अबे आप कौन सी नवी टोपी पहनाने आया है तू? नवी टोपी पहनाने नहीं आया हूँ, मैं बोनी को लेकर आया हूँ। बोनी को? डरिए मत प्रेमा जी, डरिए मत, बोनी की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ आपसे मिलने आई है। Then it's okay. एक मिनट, अंदर आ जाओ। प्रेमा जी, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना? It's okay. लेकिन तुम्हारी शादी हो गई ना? Oh good. अब तो हमारी लाइफ पैरेलल, सेम टू सेम नहीं चलेगी. तुम्हें पति देव कहाँ है? एक मिनट, परवाना, अंदर आना।